किसान भाइयों नमस्कार, कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। सूखे के बावजूद पैदावार में कमी नहीं, नए बीजों के विकास पर जोर, अरहर की नई किस्म से 5 महीने में मिलेगी दोगुनी पैदावार। घटती जा रही है कृषि योग्य भूमि, अब बाटल फिरोमोन से संभव है तनाछेदक का इलाज। कपास किसानों के लिए प्रतिबद्ध सरकार, गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए ट्रेंच विधि से करें बुआई। और अब कृषि समाचार विस्तार से। देश के अनेक प्रदेशों में सूखे जैसे हालात के बावजूद फसलों की पैदावार में कमी नहीं आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार पिछले फसल वर्ष के बराबर ही 25 करोड़ टन खाद्यान्न की पैदावार हुई है, लेकिन सरकार द्वारा तय किए गए चालू फसल वर्ष 2015-16 के उत्पादन के लक्ष्य के मुकाबले पैदावार लगभग 1 करोड़ टन कम हुई है। अग्रिम अनुमान के अनुसार मौजूदा फसल वर्ष में कुल खाद्यान्न उत्पादन 25.22 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यह उत्पादन 25.20 करोड़ टन था। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की वार्षिक कार्यशाला में तापमान बढ़ोतरी को देखते हुए ऐसे बीजों की प्रजाति विकसित करने पर जोर दिया गया जो उच्च तापमान में भी अधिक उपज दे सके। इस कार्यक्रम में 41 परियोजनाओं की समीक्षा हुई। इस मौके पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और कृषि वैज्ञानिक उपस्थित हुए। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्य अतिथि ने गेहूं फसल सुधार परियोजना को प्रोत्साहित करने को कहा। इसके साथ ही इस कार्यशाला में गेहूं की 2 नई प्रजातियों को अनुमोदित किया गया जो उच्च तापमान होने पर भी अधिक उपज दे सकेंगी। इस मौके पर नई प्रजाति के गेहूं को किसानों तक पहुंचाने की संतुष्टि की गई। भारतीय दलाइन अनुसंधान संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों ने अरहर की 2 नई किस्मों पूसा 992 और ICPL 88039 को विकसित करने में सफलता हासिल की है। इन नई किस्मों की विशेषता है कि इसमें कीट व रोग नहीं लगते और पैदावार भी दोगुनी होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अरहर की पुरानी किस्मों से 9 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता था और इसे तैयार होने में भी 9 से 10 महीने लगते थे, लेकिन इस नई प्रजाति से 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होगा और फसल भी 6 महीने में ही तैयार हो जाएगी। अरहर की इस नई किस्म को सभी कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय बीज निगम के जरिए किसानों तक पहुंचाया जाएगा। देश में हर वर्ष औसतन 30,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की कमी हो रही है, लेकिन ये स्थिति चिंताजनक नहीं है क्योंकि कृषि योग्य भूमि में इस मामूली गिरावट के बावजूद भी कुल उत्पादकता प्रभावित नहीं हुई है, जो कि राहत की बात है। सरकार के अनुसार देश में कृषि की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है और देश की सिर्फ 45% भूमि ही सिंचित है, लेकिन सरकार की इस समस्या के प्रति गंभीर है और इसीलिए इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की शुरुआत की है। फसल में तना छेदक कीट की समस्या से किसानों को बचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र संबलपुर के वैज्ञानिकों ने बाटल फिरोमोन को इजाद किया है। खेती में इसके प्रयोग से काफी असरदार साबित होने के बाद अब किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तना छेदक की समस्या के लिए किसान धान की एक फसल में 4 से 5 हजार रूपये खर्च कर देते हैं, लेकिन इस बाटल फिरोमोन तकनीक में प्रति एकड़ 10 कैप्सूल का इस्तेमाल कर 150 रूपये में ही इसका लाभ लिया जा सकता है। इस काम में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। इसके लिए खेतों का वेस्टेज पानी बाटल में कैप्सूल फंसाकर इस्तेमाल किया जाता है। कपास निर्यात को लेकर सरकार की तरफ से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि सरकार देश के कपास किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कपास एक महत्वपूर्ण फसल है और विकसित देशों में कपास पर दी जाने वाली उच्च स्तरीय सब्सिडी विकासशील देशों के लिए चिंता का कारण रही है। इन देशों में मुहैया कराई जा रही सब्सिडियां निर्धनतम देशों के कपास उत्पादकों पर प्रतिकूल तरीके से प्रभाव डाल रही हैं। प्रदेश के गन्ना आयुक्त ने गन्ने की औसत उपज 65 टन से बढ़ाकर 2016-17 में 70 टन करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ट्रेंच विधि से बुआई करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल गन्ना क्षेत्रफल का न्यूनतम 10% 2.05 लाख हेक्टेयर ट्रेंच विधि से बुआई कराने का लक्ष्य भी तय कर लिया गया है और इसको सख्ती से लागू कराने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। ट्रेंच विधि से बुआई की स्थिति में एक ओर जहां बीज के रूप में प्रयुक्त गन्ने की मात्रा में 25% और सिंचाई हेतु आवश्यक पानी की मात्रा में 75% की बचत होती है, वहीं गन्ने की उपज में 150 से 200% वृद्धि होने के साथ साथ
सह फसलें उगाना आसान होता है। और किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। प्रदेश की मंडियों में धान का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 1300 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा में 1310 रुपए, लखीमपुर में 1405 रुपए, हरदोई में 1400 रुपए और शाहजहांपुर में 1390 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब भाव चावल की। लखनऊ में 2125 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा में 1980 रुपए, लखीमपुर में 2220 रुपए, हरदोई में 2150 रुपए और शाहजहांपुर में 2260 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब बात गेहूं के भाव की। लखनऊ 1000